आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का डिस्कशन करेंगे, लास्ट हमने जहाँ से छोड़ा था तो उसके आगे ही आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये पेपर टू का है, तो जो बच्चे एलिमेंट्री लेवल की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशल एबल लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाई। एक जो शिक्षक है वो समावेशी क्लासरूम यानी कि जहाँ पे सभी टाइप के बच्चे होते हैं उस क्लास में, अगर वो बच्चे हैं उन बच्चों की वो आवश्यकताओं को किस तरीके से मतलब उनको फुलफिल करेगा, कैसे उन्हें संबोधित करेगा वो। तो इसके कुछ, इसके चार ऑप्शंस हैं, एक बार हम चारों ऑप्शंस देख लेते हैं और जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा हम उसको ही टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट। ओके, ये ठीक लग रहा है, बट आगे देख लेते हैं हम। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट्स, नहीं ये नहीं है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स। ये कभी नहीं कर सकते हम, अगर ये बोले बच्चों से कि जो समझदार बच्चे आप उनकी कॉपियाँ लो अब और उनकी कॉपी से बिल्कुल सेम टू सेम आप कॉपी कर लो, तो ये गलत होगा। एंड एक बार हम लास्ट देखते हैं, जो लास्ट है वो है डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो अकॉर्डिंग टू मी, और आपको भी इसका जो करेक्ट आंसर लगेगा वो डी ही लगेगा। तो इसका आंसर जो है वो डी है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के जो सशक्त पक्ष हैं एवं उनकी जो कमजोरी है उसके विश्लेषण यानी कि उसके बारे में हम पहले देखेंगे कि हम अपने खुद का पर्सपेक्टिव बनाएंगे कि अगर ये जो बच्चे की जो वीकनेस है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे कमी है, उस चीज़ को हम फुलफिल करेंगे। अब हम 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन है, अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाई। एक टीचर है जो जो सृजनात्मक विद्यार्थी हैं उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकता है या कर सकती है। तो फर्स्ट इसका का जो है ऑप्शन वो है एम्फेसाइजिंग अ कन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, थर्ड है इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। ओके, मुझे यही सही लग रहा है, बट आगे भी देख लेते हैं। डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस। तो इसका जो करेक्ट है वो सी है, बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें चेंजेस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो 18th क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो रहेगा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट्स टू मोटिवेट चिल्ड्रेन टू लर्न, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अब प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। ओके, एंड इसका बी देखते हैं, इंकरेजिंग रिवार्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रेन टू लर्न। अगर हम बच्चों को हमेशा रिवार्ड देंगे तो बच्चे सिर्फ रिवार्ड के लिए ही पढ़ेंगे। तो इसका सी देखते हैं हम, तो ये बी सही नहीं होगा। इसका सी है, फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये बहुत पुराना मेथड है, इस मेथड को हम यूज नहीं करते, लेक्चर मोड भी नहीं होगा। अब इसका डी देख लेते हैं हम। डी है, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग। ऑब्वियसली अगर आप एक टीचर है तो वो जो बच्चा है जिसको आप पढ़ा रहे हो वो आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, तो आपको उसे ऐसे पढ़ाना है कि जो उसका इंटरेस्ट हो ना, वो जेन्युइन इंटरेस्ट उसमें जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें उसका जेन्युइन इंटरेस्ट आए। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो 19th यानी कि आज का जो 4th क्वेश्चन है वो 4th क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजी है अब इसमें से हमें सबसे एप्रोप्रिएट ढूंढना है। तो देखते हैं, पहला है नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएट द सिचुएशन,
बिल्कुल नहीं, इसको हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऑब्वियसली उसको इवेल्युएट करेंगे, उसका मूल्यांकन जरूर करेंगे हम। सेकंड है फंक्शनल फिक्शनेस फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड है इसका रिस्पॉन्स एट गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा। इसका डी देख लेते हैं, तो इसका फोर्थ का डी है मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। हाँ, अगर उसे हम छोटे छोटे उसके जो उसके हैं गोल्स हैं उसको सब गोल्स में हम डिवाइड कर देंगे तो शायद वो जो हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो बच्चा एक बार में नहीं पढ़ पा रहा है कोई कॉन्सेप्ट, अगर उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ाएं तो बच्चों को समझ आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। तो लर्नर्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आज का फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा है निम्न में से जो शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षक प्रणाली नहीं है? तो देखते हैं, सबसे पहला है इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू मेक इंटुएटिव गेसेस। सेकेंड है एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ओके, थर्ड है डायलॉग एंड डिस्कशन। एंड फोर्थ है फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन। तो अब इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हम बिल्कुल करते हैं। और प्रयोग एवं परीक्षण, बिल्कुल हम बोलते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करो और खुद को एक्सप्लोर करो, तो ये भी सही है। तो इन्हें अब थर्ड देखते हैं संवाद एवं परिचर्चा। ऑब्वियसली हम डिस्कशन के लिए भी बच्चों को बोलते हैं। और लास्ट देखते हैं दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो रट्टाफिकेशन तो हम नहीं करवाते। तो हम अगर यहाँ पे बात करें कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको हम बोले कि आप अगर यहाँ पे जब बात हो रही है कि इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी की, तो ये सब इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रेन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लासरूम में 30-40 स्टूडेंट्स हैं, और ऐसा तो होता नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स आपकी बातों पर पूरा का पूरा ध्यान दें, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? हो सकता है कोई बच्चा फिजिकली तो क्लास में बैठा हो बट मेंटली वो आउटसाइड हो, तो ऐसे केस में एक टीचर क्या कर सकता है? तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं हम इसके। इसका जो पहला ऑप्शन है आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। स्कोल देम फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द इंटायर क्लास, अगर हम ये करेंगे तो उस बच्चे को बहुत शर्म महसूस होगी, तो शायद वो आगे से आपके लिए जो उसका परसेप्शन है वो बहुत गलत भी हो सकता है। एंड थर्ड देख लेते हैं, थर्ड है टॉक टू देम टू फाइंड आउट रीजन्स फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। और फोर्थ है गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट एज होम वर्क, बिल्कुल नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, बिकॉज हो सकता है उस बच्चे के फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उसके किसी दोस्त से लड़ाई हुई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बेस्ट टीचर को क्या करना चाहिए, उस बच्चे को अकेले में बुला के उसका जो भी रीजन है उसको फाइंड आउट करना चाहिए, एटलीस्ट पता तो चले उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डेथ इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी कि संरचनावादी उपागम बताता है कि डेथ ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें क्या है कि प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, दूसरा है कंडीशनिंग, थर्ड है पनिशमेंट, और फोर्थ है रोट मेमोराइजेशन। तो इसका जो करेक्ट होगा गाइज वो होगा ए, बिकॉज हम कभी भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जैसे कि हमने लेसन प्लान भी बनाया था, तो लेसन प्लान में हमें एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाता है कि सबसे पहले आपको पीके टेस्टिंग करना है, क्योंकि अगर आपका प्रीवियस नॉलेज का टेस्टिंग होगा तो बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है वो रिलेट कर पाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा। अब आते हैं हम एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेटिव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन इन दिस बैकग्राउंड टीचर शुड, यानी कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखते हैं इसमें एक टीचर क्या कर सकता है। पहला देखते हैं हम, पहला है चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रेन थ्रू डायलॉग। सेकंड है डिसमिस दीज आइडियाज दैट चिल्ड्रेन हैव।
थर्ड है इग्नोर चिल्ड्रेंस आइडियाज एंड थ्योरीज, एंड फोर्थ है स्कोल्ड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज दैट इंटरफेयर विद हर टीचिंग। तो इसमें से दो चीज़ तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, एक तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा फर्स्ट वन। और फर्स्ट वन क्यों होगा मैं बताता हूँ। अगर हम बात करें कि संवाद के द्वारा बच्चों का अन्य अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए, यानी कि बच्चों को कुछ नया सीख अगर वो सीखना चाह रहे तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा और फोकस दो ना कि बच्चे और सीख सकें। तो उनको थोड़ा सा नए अगर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट का उन्हें थोड़ा सा भी हिंट देंगे तो बच्चा ऑब्वियसली सीखने के लिए और ज़्यादा कीन होगा और ज़्यादा इच्छुक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ए है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज, यानी कि संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो इसका देख लेते हैं हम इसको चारों ऑप्शन। पहला है इसका इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सेकेंड है यूनी डायरेक्शनल यानी कि इमोशनल इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, और इसका जो थर्ड है यूनी डायरेक्शनल यानी कि कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन, फोर्थ है बाई डायरेक्शनल डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, यानी कि अगर यहाँ पे हम दो चीज़ों की दो कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन एंड सेकेंड है हमारा इमोशन, सॉरी ये इमोशन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों दिशाओं की तरफ जा रहा है, ये बाई डायरेक्शनल है और दोनों के बीच एक जो है ना गतिशील जो पारस्परिक क्रिया है जो उनके बीच में एक्टिविटीज़ होती हैं उस चीज़ को ये इंटरप्ले कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, इसके चार ऑप्शन हैं, इसमें से फिर हमें इसके सब ऑप्शन भी दिए, हमें जो करेक्ट होगा वो हमें ऑप्ट करना है। तो देख लेते हैं कि पहला है इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके इमोशनल बोथ इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, पैडागॉजिकल स्ट्रेटजीज, एंड फोर्थ है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि इसके टोटल चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, ओके जो लर्निंग को इफेक्ट करता है वो देखना है हमें। तो हम देखते हैं एक बार, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो हमारी टीचिंग फुलफिल नहीं हो पाएगी। सेकेंड है इसका इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, ऑब्वियसली अगर वो इमोशनली हेल्दी नहीं है, उसको किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने डांट दिया, तो वो बच्चा गुस्सा होकर बैठा है तो वो भी नहीं पढ़ेगा। एंड पैडागॉजिकली स्ट्रैटेजीज, अगर एक टीचर बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ा रहा है, कोई रणनीति है ही नहीं उसकी, वो डायरेक्टली क्लासरूम में गया और सीधा बोला हाँ बच्चों किताब निकालो और पढ़ाने लग गया, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो यानी कि इसका थर्ड भी सही है, एंड सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो भी है उसके सोसाइटी से रिलेटेड होगा तो बच्चा सीखेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं 26th क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आज का जो हमारा है 9th क्वेश्चन। डैश आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो इसका पहला ऑप्शन है सोशल इंट्रैक्शंस, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेकेंड है ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, यानी कि लगातार हम बार बार एक ही चीज़ का स्मरण करा रहे हैं कि रट्टाफिकेशन करवा रहे हैं, वो तो नहीं है। और उसके बाद है थर्ड रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, बच्चों को अगर हम बार बार रिवार्ड्स देते हैं पनिशमेंट देते हैं कि आप तो बहुत अच्छा किया आपने, ये लो आप चॉकलेट लो, या फिर कोई बच्चा है वो नहीं सुना पा रहा है उसको बार बार पनिशमेंट करेंगे, तू तो कर ही नहीं सकता, एक काम कर वहाँ जाके खड़ा हो जा, तू तो वैसे बच्चों को नहीं बोलना, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम जाके साइड में हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तो उस बच्चे के मन में ये रहेगा कि यार मैं तो कभी कर ही नहीं सकता और टीचर भी तो मुझे बार बार पनिशमेंट देती है। और अगर हम बात रिवार्ड्स की कर रहे हैं तो बार बार बच्चों को रिवार्ड्स देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसका हम लास्ट में देखते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये भी नहीं है। तो इसका जो मेरे हिसाब से है वो है सोशल इंट्रैक्शन, यानी कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के थ्रू भी बच्चा सीखेगा, एक जो वो मीनिंगफुल जो लर्निंग होगी ना एक वो यहीं से हो पाएगा। मान के चलो आपने EVS पढ़ाया, EVS में आपने बताया कि आ इन्वायरमेंट, आप अपने पड़ोस की अपने आस पड़ोस की चीज़ों को देखो और रिलेट करो कि आपका इन्वायरमेंट क्या है, आप कहाँ रहते हैं, या आर अर्थ,
ये सारी चीज़ें तो बच्चा आसपास की चीज़ों को देख के रिलेट करेगा, जो उसने बुक में पढ़ा था उसको वो रिलेट करेगा। यानी कि जब करिकुलम की बात हम करते हैं तो करिकुलम में भी तो यही चीज़ है कि करिकुलम इतना ही नहीं है कि वो सिर्फ क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को ले, वो आउटसाइड की भी तो सारी एक्टिविटीज़ को लेता है, जो एक बच्चा सारी चीज़ें देखता है आउटसाइड में भी। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन स्टूडेंट्स आर रिपीटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिज़ाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अर्न अ रिवॉर्ड दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी सच एज अर्न अ स्टार और बैज दे आर लाइकली टू। यानी कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है कि आप उसको अवार्ड मिलेगा, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। देखते हैं इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो इसका पहला ऑप्शन है डेवलप मैटरियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग, सेकंड है एंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है इसका परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, फोर्थ है सेट मास्टरी गोल फॉर देमसेल्फ रादर देन वर्क टू प्लीज अदर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, यानी कि वो समझने के लिए अधिगम का आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो उस चीज़ को सीखना चाहता है, इसलिए वो बहुत कीन है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, जब यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिज़ाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, तो यानी कि बच्चा कुछ नया करने के लिए बहुत इच्छुक है, वो बहुत उसे इंजॉय करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, बी होगा सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, यानी कि चाइल्डहुड यानी कि जो बाल्य अवस्था है उसकी अवधारणा से क्या अभिप्राय है। एक बार सारे इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला है यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ओके, और इसका सेकंड है अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, थर्ड है दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, नो, उसका लास्ट है द चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कंस्ट्रक्टिविस्ट आर शेप्ड इंटायरली बाय एनवायरनमेंट। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ का सर्वभौम्य रूप से समान है। हाँ, तो ऑब्वियसली ये चीज़ है यूनिवर्सली, बच्चा अगर देखा जाए तो सबके जो कल्चर है वो डिफरेंट है, तो जो चाइल्डहुड का जो ये होगा कॉन्सेप्ट होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बालावस्था की विशेषता है, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा हमें वही सिलेक्ट करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। पहला है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, यानी कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, ओके। सेकंड है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स, यानी कि अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने का योग्यता विकसित होती है, तो ये इतना ज़्यादा तो नहीं होता, बट इसका हम देखते हैं। थर्ड देखते हैं चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्सरेटली, ओके, यानी कि बच्चा जो है वो तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे हम मिडिल, अगर हम मिडिल चाइल्डहुड की बात करें तो देखते हैं इसके पहले देखते हैं लास्ट जो है लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं। लास्ट ऑप्शन है लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, ये तो होता है, बट अगर हम बात करें कि मिडिल चाइल्डहुड की तो मिडिल चाइल्डहुड का जो ऑप्शन होगा वो इसका सी होगा। सी क्यों होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो सोचता है वो लॉजिकली सोचता है, बट वो जो उसका होता है वो सोचना एक स्टार्ट करता है, हर चीज़ों का एक पीछे का एक लॉजिक देखता है। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, ये क्वेश्चन है फैमिली एंड नेबरहुड आर, जो परिवार है उन पड़ोस है वो बच्चों के समाजीकरण के लिए क्या है, तो उसको देखते हैं हम। पहला है साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन, यानी कि मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। दूसरा है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, यानी कि प्राथमिक एजेंसीज हैं। और थर्ड है मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज, यानी कि मध्य एजेंसियां हैं।
और इसका डी है सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन एजेंसीज, यानी कि उसका द्वितीयक एजेंसीज हैं। तो जैसे हम सबको पता है, अगर हमने हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है यानी कि हमने साइकोलॉजी भी पढ़ा है, तो वहाँ पे एक ही चीज़ होता है, या फिर हमने खुद ही गौर किया है, आप एक बार गौर कीजिए कि आपके फैमिली में एक छोटा सा बच्चा है जो अभी न्यूबॉर्न बेबी है, तो न्यूबॉर्न बेबी सबसे पहले कहाँ आ जाता है? ऐसा तो है नहीं कि वो पैदा होते ही वो स्कूल जाने लग जाता है या फिर कहीं दूर ट्रैवल करने जाने लगता है। तो उसका जो समाजीकरण होता है वो परिवार और पड़ोस में ही होता है ना। तो जो प्राथमिक की बात करें, अगर हम प्राइमरी की बात करें, तो उसका बी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चा बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है उसकी उसका परिवार और पास पड़ोसी है, बच्चा वहीं से सीखता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए कि और लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया।